ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन एरर। तो एरर का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से। आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले एक इजी सा न्यूमेरिकल लेते हैं जिसके अंदर हम हर टाइप का जो एरर है वो निकालना सीख लें एक बार के लिए। इसीलिए इस न्यूमेरिकल को मैंने ऐसा कुछ ले लिया है कि एब्सोल्यूट एरर भी, रिलेटिव एरर भी और परसेंटेज एरर भी, तीनों ही एरर इसके अंदर निकालने हैं। आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज भी हो जाएंगे, तरीका भी पता चल जाएगा कि कैसे हम इनको सोल्व करते थे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पी, पी का मतलब यहाँ पे पेंडुलम से है। तो हमने ऑसिलेशन हो रहे हैं सिंपल पेंडुलम के और उन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड को मेजर किया। द रीडिंग्स आर, जो सक्सेसिव रीडिंग्स आती हैं, लगातार रीडिंग जो आती हैं वो आती हैं 2.63 सेकेंड। दूसरी बार जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब हमारी रीडिंग आती है 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड लास्ट जो रीडिंग आई हमारी वो है 2.80 सेकेंड। तो हमने पांच रीडिंग ली है, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल ठीक है। तो पांच रीडिंग्स हमने यहां पे ली हैं और पांच वैल्यूज हमारे पास टाइम पीरियड की आ चुकी हैं। सभी एक जैसी तो नहीं है, एक बार ये आता है, एक बार ये आता है, तो एरर कहीं ना कहीं होगा ना। तो उन्हीं एरर को हमको कैलकुलेट करना है। एक बार एब्सोल्यूट एरर बताओ, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर तीनों ही निकाल के दिखाने हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता था हम ये देख लेते हैं एक बार, और फिर ये निकालते भी हैं। तो हमारे पास एक होती थी ट्रू वैल्यू और एक ये जो हमने वैल्यू मेजर की है, ये इसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस था ना, यहां पे जो डिफरेंस आया था उसी को हम क्या बोलते थे, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे मेजर्ड वैल्यू को A1 से, आपको याद हो तो। और ट्रू वैल्यू को हम ए मीन से रिप्रेजेंट करते थे, और इनका जो डिफरेंस आता था वो डेल्टा ए वन, यही हमारा क्या था, इसी को हम एरर बोल रहे थे। ये हमारा एरर है क्योंकि मीन वैल्यू से कितना डिफरेंशिएट आया हमारा मेजर्ड वैल्यू, कितना डिफरेंस आया दोनों में, उसी को तो हम बोल रहे थे एरर। और अगर इसको मोड लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाता था, एब्सोल्यूट एरर बन जाता था। तो हमारे पास क्या मेजर्ड वैल्यू है, बिल्कुल है, ये रही, दूसरे वाले भी है, थर्ड वाले भी, फिफ्थ वाले भी, सारी मेजर्ड वैल्यू है। क्या हमारे पास मीन वैल्यू है, नहीं है। तो पहले मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो इसकी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आगे हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो मीन वैल्यू कैसे निकलती थी, इन सब का मीन निकाल लेते थे अपन। तो ए मीन या फिर टाइम पीरियड निकाल रहा हूं तो मैं टी यूज कर लेता हूं, तो टी मीन निकलता है 2.63 सेकेंड प्लस 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। तो पांच रीडिंग्स हो गई हैं, मैच कर लेना, बिल्कुल ठीक है। डिवाइडेड बाय, पांच रीडिंग्स हैं तो डिवाइडेड बाय 5, इनको हमको कैलकुलेट करना है कितना आने वाला है। तो हमने देखा यहाँ पे है 6 और 3 9, 11 12, और यहाँ पे 12 का 2 और 1 वहां पे बचा, तो 9 16, 20 25, 31, 31 का 1 और फिर 3 और 5, 7, 9, 9 और 4, 13, और यहाँ पे पॉइंट भी था, तो 13.12 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 पहले 2 पे जाएगा, फिर बचा यहाँ पे 3 और फिर 6 पे जाएगा, फिर बचा 1, फिर 2 पे जाएगा और फिर 4 पे जाने वाला है, और 5 पे ही गया था पॉइंट यहाँ पे। तो इतना कुछ सेकंड हमारा आ चुका है, ये टोटल हमने सेकंड्स ऐड किए थे तो ये सेकंड है। तो हमारी जो वैल्यू आई वो 2.624 सेकंड, ये हमारी वैल्यू आई है। तो इसको राउंड ऑफ कर लेना बेटर है क्योंकि सभी रीडिंग्स देखो 2 डेसिमल पॉइंट तक है। ये हमारा जो एवरेज आया वो टाइम पीरियड ही आया है, और हमारे जो टाइम पीरियड है वो कहाँ तक एक्यूरेट है, 2 डेसिमल पॉइंट तक हमने लिए हुए हैं, तो इसको भी 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लिखना बेटर होगा, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया राउंड ऑफ करके, 4 को ड्रॉप कर देना है, तो 2.62 सेकेंड।
ये हमारा टाइम पीरियड आ चुका है मीन टाइम पीरियड, तो हम इसको हमारी ट्रू वैल्यू मान सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड ये होगा। लेकिन एक बार रीडिंग ये आती है, फिर ये आती है, फिर ये आती है, ये तो अब इसके साथ डिफरेंस देख लेंगे और मोड लगा देंगे, वही हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। तो 2.62 ये हमने लिख लिया यहां पे, तो हमारी जो ट्रू वैल्यू आई है वो आई है 2.62 सेकेंड्स, ठीक है। और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है पहले केस में ये वाली, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं कि हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं, तो डेल्टा टी हम निकाल रहे हैं और मोड ले लेते हैं, तो 1 पहली रीडिंग के लिए टी 1 कर लेते हैं। तो ये कैसे निकलने वाला है, पहली जो हमारी रीडिंग है टी 1 और हमारा जो मीन वैल्यू है टी मीन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहां से पहले वाली रीडिंग क्या है, ये है हमारी 2.63 सेकंड्स माइनस 2.62 सेकंड, ओके। ये आ गया हमारा डेल्टा टी 1, ठीक है, निकाल लेंगे इसको कितना आने वाला है। तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर निकालने का, मोड हम लगा देंगे बाद में। इसके बाद डेल्टा टी 2 कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सेकंड रीडिंग जो कि है हमारी 2.56 सेकंड, और ट्रू वैल्यू तो यही है ना। डेल्टा टी 3, डेल्टा टी 4 और डेल्टा टी 5, तो थर्ड रीडिंग है हमारी 2.42 सेकंड, 2.62 सेकंड माइनस किया, और फोर्थ है 2.71 सेकंड माइनस 2.62 सेकंड्स, और पांचवी रीडिंग आई है 2. बिल्कुल ठीक चल रहा है, माइनस 2.62 सेकंड्स। और इनका डिफरेंस देख लेते हैं, तो यहां देखो ये बड़ा है ये छोटा है, पॉजिटिव ही आने वाली है वैल्यू, और ये आई 0.01, एक का ही डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है। यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या है, छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो माइनस में आएगा आंसर, और डिफरेंस कितना है, 4-6 का डिफरेंस है, 0.06। यहाँ पे ये वाली वैल्यू फिर से कैसी आ गई है, छोटी, ये वाली बड़ी है, तो फिर से आंसर आपका माइनस में आने वाला है। तो 8 यहाँ पे ये आया माइनस 0.220 यहाँ पे बन रहा है डिफरेंस। यहां देखते हैं तो यहां कितना आने वाला है, ये वैल्यू बड़ी है हमारी और ये वाली क्या है, छोटी है, तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे है डिफरेंस हमारा 8-9 का डिफरेंस है, 0.09, और पॉजिटिव आने वाला है ये, तो यहाँ हमारा आने वाला है 8 और 0.18 पॉजिटिव, तो ये डिफरेंस हमारा यहाँ पे आने वाला है, ओके। तो पांचों वैल्यूज हमने निकाल ली है, डेल्टा टी 1, डेल्टा टी 2, डेल्टा टी 3, टी 4 और टी 5, ये आ चुके हैं हमारे पास। लेकिन अब तक हमारे पास एब्सोल्यूट एरर नहीं आया है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन्हीं का क्या करना पड़ता है, मोड करना पड़ता है, तो मोड कर देना, सारे एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगे। तो मोड किया, तो यहां भी मोड कर दोगे आप, तो मोड कर दोगे, आपको पता है सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाने वाली है। तो ये हमारे सारे के सारे पांच जो वैल्यूज आएंगी, ये हमारी एब्सोल्यूट एरर्स हैं यहां पे। तो ये हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अगला एरर क्या कहता है हमारा, रिलेटिव एरर। तो एक बार मैं रिलेटिव एरर का फॉर्मूला देखता हूं। तो रिलेटिव एरर हमारा कहता था एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। लेकिन एब्सोल्यूट एरर तो बहुत सारे हैं, कौन सा एब्सोल्यूट एरर यहां पे लेना होता है, तो मीन होता है एक्चुअली यहां पे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, या फिर ट्रू वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, उस क्वांटिटी की। तो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो टाइम पीरियड की, तो मीन वैल्यू तो अभी अभी आपने देखी थी, ये 2.62 आ चुकी है। लेकिन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन नहीं है आपके पास, तो वो मीन निकाल सकते हो आप, इन सबको एड करना है और 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर्स है ना आपके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर यहां पे निकाला, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आने वाला है, इन सबको ऐड करो, तो यहां पे आने वाला है 20 ये, और 18
और 9 कितना हो गया, 27, 47, 48 और 54, तो 54 हो जाएगा। मोड है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, तो 0.54 डिवाइडेड बाय, पांच रीडिंग्स हैं तो डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमने एब्सोल्यूट एरर का सबका मीन निकाल लिया, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में मोड यूज होता है, तो मोड वाली वैल्यूज आपको लेनी है, माइनस नहीं लेना है कहीं पे भी। और इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है, जीरो एक पे जाएगा, फिर चार, फिर आठ आने वाला है, तो ऐसा कुछ आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया। लेकिन आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो हमारी वैल्यूज हैं टाइम पीरियड की, जो हमारी वैल्यूज है वो क्या है, वो 2.42 है ना, 2.42 है। तो एक्चुअल वैल्यू मतलब जो हमारा एरर है वो ये जो है ना, वो इनसिग्निफिकेंट, सॉरी यही सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये अनरिलायबल है, इसका हमको नहीं पता है, तो इतनी दूर जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, राउंड ऑफ करने पे 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं हम, जिसको राउंड ऑफ करते हैं उसके आगे वाला प्लस 1 कर दिया, तो प्लस 1 मैंने कर दिया। ओके, तो हमारी वैल्यू आ चुकी है मीन एब्सोल्यूट एरर की 0.11 सेकेंड्स। ओके, तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर यहां पे लिखना है, और मीन वैल्यू को यहां पे लिखना है, जो कि ये आई हुई है हमारी, तो इसको कर लेंगे हम, रिलेटिव एरर निकाल लेंगे, निकालते हैं अभी। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखना है यहां पे, कि जब हम इस क्वांटिटी को लिखते हैं फाइनली कि हमारा टाइम पीरियड कितना है, तो उस टाइम पीरियड को हम ऐसे लिखते हैं, या फिर हमारी जो क्वांटिटी होती है ए, उसको हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि ए की मीन वैल्यू और फिर प्लस माइनस जो हमारा एवरेज वैल्यू आई है ना, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल के जो एवरेज वैल्यू आई है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो इस टाइम पीरियड को अगर मैं लिखता हूं कि टाइम पीरियड एक्चुअली है कितना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो इसको लिखेंगे ऐसे कि ए मीन जो कि हमारा कितना है, 2.62 सेकेंड है, और प्लस माइनस जो ए मीन आया था वो 0.11 सेकेंड आया था अभी यहां पे, ये सेकेंड में ही था सब, तो ये सेकेंड्स इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये मैंने टाइम पीरियड लिख दिया है आपका, लेकिन ये लिखना क्या ठीक है हमारा, हम इसको देखना चाहते हैं। मीन एरर मैंने 0.11 लिख भी दिया है, आप देखो एक बार के 0.1 इसका मतलब क्या हुआ है कि 0.1 का मतलब 1/10 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में ही हमारा एरर आ चुका है। इसका मतलब है कि 2.6 यहां पे ही आपका एरर आ चुका है, 6 वाले तक ही, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को निकालते हो तो आप देखना इसको कैसे मैं लिखता हूं, अगर ये प्लस माइनस है तो एक बार मैं इसको प्लस लिखता हूं, एक बार इसको माइनस कर देते हैं, तो टाइम पीरियड क्या क्या आ सकता है। जब मैं इसको प्लस करता हूं तो यहां पे आने वाला है 2.73, जब मैंने इसमें प्लस कर दिया ना, तो इसका मतलब ये है, तो एरर जो आपका टाइम पीरियड है वो यहां तक हो सकता है, हमको नहीं पता, लेकिन इस रेंज तक, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। मिनिमम वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो इसमें से माइनस करूंगा, और माइनस करने पे क्या निकलेगा, इसमें से माइनस करोगे तो 2.51 आ गया आपका। तो कम से कम वैल्यू ये है आपकी और मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो इन्हीं के बीच में आपकी ट्रू वैल्यू लाई करने वाली है टाइम पीरियड की। तो आप देखो 2 पे तो आप कंफर्म हो, लेकिन क्या आप इस 6 पे कंफर्म हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 6 के बजाय एरर ऐड करके या माइनस करके 5 भी आ सकता है और आपका 7 भी आ सकता है। तो ये 6 क्या है, इस 2 के ऊपर तो आप सर्टेन डिजिट हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये 6 हमारी रिलायबल नहीं है, ये अनसर्टेन डिजिट है। और जब हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं ना, जब किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं मेजर्ड वैल्यू को, तो हम सर्टेन डिजिट के साथ साथ एक ही अनसर्टेन लिखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने पढ़ लिया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हम शो करते हैं सिर्फ हमारी वैल्यू में, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिर्फ एक ही हमारी रिलायबल डिजिट होती है, दो नहीं रिलायबल होती, नॉन रिलायबल सॉरी, दो नहीं होती है, सिर्फ एक ही अनसर्टेन लेनी होती है। तो यहाँ पे 6 ही आपका अनसर्टेन है, तो 2 को तो छोड़ ही दो, और यहाँ पे ये वाली भी छोड़ ही दो,
ये वन को भी, तो मैं इसको लिखना पसंद करूंगा ऐसे कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2.6, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 2 को ड्रॉप कर दिया है, और यहां पे इसको भी मैं ड्रॉप करता हूं तो 0.1 बचने वाला है। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, और ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। ओके, अब मैं रिलेटिव एरर निकालता हूं इसका। अब रिलेटिव एरर क्या कहता है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा ए बाय ए, यही तो होता है। डेल्टा ए क्या है आपका 0.1, ओके, और मीन वैल्यू क्या है आपकी 2.6। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप 0.04 आपके पास आने वाला है। और इसी तरीके से अगर मैं परसेंटेज एरर निकालता हूं, लास्ट में परसेंटेज एरर आपसे पूछा है, तो परसेंटेज एरर को निकालते हैं हम, डेल्टा ए बाय ए इनटू 100, तो इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.04 इनटू 100 अगर आप करने वाले हो तो 4% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा परसेंटेज एरर निकल आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज, टाइम इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी। तो सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन हम करते हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो 2π अंडर रूट एल बाय जी फॉर्मूला दिया गया है। एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, जहां पे आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20.0 सेंटीमीटर नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm तक की एक्यूरेसी हमको इसके अंदर पता है। मतलब हमारा जो लिस्ट काउंट है ना, जिस डिवाइस की हेल्प से हम ले रहे हैं वो उसका लिस्ट काउंट 1 mm है। यहां से भी पता चल ही रहा है ये, तो देखो 20.0 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में पॉइंट के बाद एक वैल्यू तक भी हमको पता है 0.0 आया है। इसका मतलब सेंटीमीटर के बाद एक बाय 10 करेंगे तो मिलीमीटर ही आएगा, तो यहां से भी इस बात का पता चल रहा था। तो टाइम पीरियड में लिस्ट काउंट दिया गया है हमारा, सॉरी लेंथ में लिस्ट काउंट हमारा दिया गया है 1 mm, और लिस्ट काउंट ही आपका एरर हम मानते हैं। ओके, तो एरर हमारे पास है और वैल्यू भी है लेंथ की। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन हमने किए हैं, एक ऑसिलेशन नहीं किया है, 100 ऑसिलेशन हमने किए हैं। ये फॉर्मूला जो है, इसमें टाइम पीरियड जो है वो एक ऑसिलेशन का फॉर्मूला है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा या दो या तीन ऑसिलेशन का नहीं है। तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से निकलता है, ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, 100 ऑसिलेशन में 90 सेकेंड लग जाते हैं। यूजिंग ए वॉच, एक ऐसी वॉच यूज करी है जिसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड है, भाई जब वो टिक टिक करती है तो एक एक सेकेंड आगे चलती है, तो वो भी कम से कम 1 सेकेंड को ही मेजर कर पा रही है। तो टाइम में जो हमारा डिवाइस है, जो वॉच है, उसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है। ओके, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी, अगर मुझे टाइम पीरियड दिया गया है, उसने दिया है ना टाइम पीरियड हमको 90 सेकेंड है 100 ऑसिलेशंस के लिए, और लेंथ भी उसने बताई है, तो जी के बारे में पूछ रहा है वो कि जी जब हम निकालेंगे तो वो कितनी एक्यूरेसी तक आने वाला है। ओके, तो इसके लिए एक बार मैं जी का फॉर्मूला यहां से बनाता हूं, क्या बन रहा है जी का फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी आता है यहां से। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो टाइम स्क्वायर 4π स्क्वायर एल बाय जी, और जी यहां से निकाला अगर तो आता है यहां पे 4π एल बाय टाइम स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है जी निकालने का। अब जब हमारे पास कोई फॉर्मूला होता था और हमको पता है वो क्वांटिटी एल पे, टी पे और ये पाई वगैरह इन पे डिपेंड करती है, तो हमको उसका रिलेटिव एरर निकालना बहुत आसान होता था, रिलेटिव एरर निकालना हमको आता था। तो हम इस फॉर्मूले में रिलेटिव एरर इन जी कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास होता था डेल्टा जी बाय जी, ये रिलेटिव एरर है हमारा, ये क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर इन जी। ओके, तो डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू, तो यहां 4 में कोई एरर नहीं हो सकता, फॉर्मूला में आया हुआ है यहां, तो पाई में भी कोई एरर नहीं है आपका। एल और टी ये मेजर्ड क्वांटिटीज हैं, यहां पे एरर है, तो एल की पावर 1 है, तो यहां पे हम करते थे डेल्टा एल बाय एल,
प्लस एब्सोल्यूट एरर, जब हम रिलेटिव एरर को, सॉरी रिलेटिव एरर्स को जब मैं निकालता हूँ किसी क्वांटिटी में, तो अलग अलग क्वांटिटीज का रिलेटिव एरर निकाल के जो मेजर्ड है वही उन सबको ऐड कर देते थे, तो हमारे पास आ जाता था रिलेटिव एरर जब पावर वगैरह वाला फॉर्मूला हमने किया था। तो यहाँ लेंथ के लिए लिख दिया, टाइम के लिए वो देखना है, तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा प्लस ही होगा आपका। यहाँ पे टाइम स्क्वायर है, जब पावर होती है कुछ ना कुछ तो उसी पावर को आगे ले आते हैं और डेल्टा टी बाय टी ये कर देते हैं, और इसी का प्लस माइनस कर देते हैं हम फिर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आने वाला है यहां से। तो मैं देखता हूं क्या मेरे पास डेल्टा एल एल डेल्टा टी और टी ये सारी चीजें हैं। तो मैंने देखा कि डेल्टा एल लेंथ में एरर कितना दिया गया है, तो जो लिस्ट काउंट होता है वही एरर मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो लिस्ट एरर, लिस्ट काउंट हमारा दिया है 1 mm, तो हमको ये पता है कि यहाँ पे ये हमारा 1 mm है। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं लेंथ की, तो लेंथ भी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे ऊपर सेंटीमीटर है नीचे मीटर है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको 0.1 सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लिया मैंने, मिलीमीटर था यहाँ पे, सेंटीमीटर में इसको लिख दिया मैंने। ओके, +2 डेल्टा टी बाय टी, ये देखते हैं हमारे पास है भी या नहीं है। तो डेल्टा टी ये क्या है, ये एरर, टी क्या था पहले ये देख लेते हैं, टी है टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है क्या नहीं है, हमको 90 एक नंबर दिया तो है लेकिन ये टाइम पीरियड तो 100 ऑसिलेशंस का है। ओके, एक ऑसिलेशन का कैसे निकलता है, तो देखो एक ऑसिलेशन का निकालने के लिए टोटल टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर देते हैं, कि भाई 100 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कितना है, 90 सेकेंड, ये टोटल टाइम है ना आपका, एक ऑसिलेशन का कैसे निकलता है, 90/100 ये कर देते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, मैंने टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड किया है। ओके, तो हमने टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड किया है। ओके, ये हमको पता है यहाँ पे फिलहाल, ये फॉर्मूला है। जब कोई फॉर्मूला हमारे पास होता है तो देखना डेल्टा टी, अगर इसका मैं एब्सोल्यूट एरर निकालना, सॉरी रिलेटिव एरर निकालना चाहूं, डेल्टा टी बाय टी निकालना चाहूं, कैसे निकलेगा, ये तो हमारा नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता, तो टी वाला ही लेना पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। ये सेम एक फॉर्मूला है, इससे मैंने आपका रिलेटिव एरर निकाला है, जैसे ये एक फॉर्मूला था इससे रिलेटिव एरर निकाला था कि डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी, तो इस फॉर्मूले में डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी। यहाँ पे मेरा क्या है, ये है हमारा टी जो है वो टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम क्या आपके पास है क्या, तो टोटल टाइम 90 सेकेंड्स दिया है, और उन 90 सेकेंड्स में कितना एरर आता है, 1 सेकेंड का, क्योंकि आपकी वॉच में लिस्ट काउंट 1 सेकेंड ही है, तो 1 सेकेंड ही एरर आने के चांस है। तो यहां से डेल्टा टी बाय टी 1 सेकेंड बाय 90 सेकेंड आ रहा है, तो यहां पे रख दो, तो यहां पे 1 सेकेंड बाय 90 सेकेंड ये मैंने रख दिया यहां पे, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, और इसको हम निकालते हैं, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे, एक जीरो नीचे ले आना और 1/200 बन जाएगा, तो 1/2.5 होता है, 2 जीरो और, तो 0.005 बनने वाला है ये, +2/9 और फिर नीचे एक 10 भी है, तो 2/9 जब निकालते हैं तो 9 पे पहले पॉइंट लगा के 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जा रहा है, तो लगातार 2 2 पे चलता ही जा रहा है, एक नीचे जीरो भी है, इसके नाम का 0.22, इस तरीके से कुछ चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये नंबर है, इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो हमारे पास आने वाला है 2 2 0.027, तो ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास आ गई है डेल्टा जी बाई जी की। ओके,
तो यही क्या है हमारा, यही हमारा रिलेटिव एरर निकल आया, ये हमारा रिलेटिव एरर है। तो हमको यही पूछा था उसने, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, तो जी की वैल्यू मेजर करने में कितनी एक्यूरेसी हमारे पास है या कितना एरर है। तो मैं परसेंटेज में बताना पसंद करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज में हम इसको बता देंगे। तो यहाँ पे आप इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करोगे तो 7 को आप राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0.03। अगर मैं परसेंटेज एरर निकालता हूं तो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 करना है आपको। तो 100 करोगे इसके मल्टीप्लाई में तो क्या बन जाएगा, 3%। तो 3% एरर आने के चांसेस हैं जी की वैल्यू को डिटरमाइन करने में। ओके ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर वन इज इक्वल टू 100 ± 3 ओम, मतलब 100 ओम के तो वो रजिस्टर है ही और 3 ओम उसमें एरर आने के चांसेस हैं, तो वो 103 से 97 इस तरफ, तो हो सकती है उसकी वैल्यू यहां से यहां तक। आर टू 200 ± 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज का तो हमको पता है, सीरीज में तो नॉर्मली हम कर लेंगे, एरर आपके नॉर्मली ऐड हो जाते हैं, अगर एरर पूछा है तो आपके पास एरर ऐड हो जाते हैं एडिशन में, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कर दिया हमसे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद जो फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो बतानी है हमको कितनी आएगी एरर लिमिट्स के साथ। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो आप, 1/R इज इक्वल टू R1 + R2, यही तरीका होता है। और अगर आप देखो क्या करते हो, हमारे पास कोई फॉर्मूला आता है A इज इक्वल टू B²C/D² ऐसा कोई फॉर्मूला आया, अगर आपको डेल्टा ए बाय ए निकालना बहुत आसान है आपके लिए, आप क्या करते हो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा B/B कर देते हो, फिर डेल्टा C/C कर देते हो, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा D/D कर देते हो, ऐसे कर देते हो। तो आपने ए में एरर निकालना तो सीखा है, लेकिन यहां 1/R में एरर निकालना है आपको, R में एरर नहीं निकालना है, सिर्फ एक क्वांटिटी में एरर नहीं निकालना, 1/that quantity में एरर निकालना है, ऐसा तो हमने नहीं सीखा है अब तक। तो 1/R इक्विवेलेंट में तो कैसे एरर यहाँ पे हम निकालने वाले हैं ये हमको देखना है। तो हमको निकालना है पहले R निकलेगा हमारा इक्विवेलेंट, और फिर प्लस माइनस वो जो एरर आएगा ना आर इक्विवेलेंट में वो लिखेंगे, तब जाके हमारे पास एक फाइनल वैल्यू बन के आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस माइनस वो जो एरर आने वाला है। तो ये एरर पता नहीं है हमको, डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर सिंपली यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जैसे सीरीज में होता है R1 + R2 ऐसा होता तो मैं इनके एरर को ऐड कर देता, Δ R1 + Δ R2 इनको ऐड कर देता, यही मेरा डेल्टा आर इक्विवेलेंट आ जाता। तो यहाँ पे डेल्टा आर निकालना बहुत आसान था, लेकिन यहाँ 1/R क्वांटिटी दी है, इसमें कैसे निकालना है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको डिफ्रेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बेसिकली हम ये क्वांटिटी निकालना चाहते हैं डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, ये हम निकालना चाहते हैं। ये हमारा कौन सा एरर होता है, ये हमारा होता है रिलेटिव एरर। तो मैं रिलेटिव एरर निकालना चाहता हूं, अगर रिलेटिव एरर आ गया डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से ये आसानी से आ सकता है, तो मैं इस आर को उस तरफ ले जाके डेल्टा आर भी निकाल ही सकता हूं। कैसे निकालेंगे देखो, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं इसको, डिफरेंशिएशन का यूज हम करने वाले हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, इस क्वांटिटी को आप ऐसा लिख सकते हो ना कि R^-1 ये हमने लिख दिया। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है किसी भी एक्स वाई जेड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस डी को मैं डेल्टा में लिख लूंगा चेंज, क्योंकि मैं एरर को अब तक डेल्टा में ही लिखता आया हूं। तो डिफरेंशिएट अगर आपको करना है तो हम क्या करते थे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम पावर को आगे लेके आते थे और एक पावर माइनस कर देते थे, तो R इक्विवेलेंट की पावर एक माइनस करनी, -1 -1 तो -2 हो जाती है। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट स्क्वायर और एक बाहर माइनस का साइन आ गया, तो मैंने पावर को तो सोल्व कर लिया,
अभी आर वाई के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है इसका नहीं पता, तो इसके साथ मैं लिख भी देता हूं ये क्वांटिटी के पावर आगे आई और इसकी पावर मैंने एक कम कर दी। अभी आर तो बचा है ना, तो यहां पे मल्टीप्लाई में डी आर इक्विवेलेंट बाय डी वाई, तो ये अभी करना बाकी है, ये अभी करना बाकी है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इस तरीके से चेंज होती है। मैं दोबारा से करता हूं, इसी को समझ आ जाएगा आपको एक बार फिर। x raised to power 2, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना होता है आपको x के ही रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, 2 को आगे लेते हैं, पावर को एक पावर कम कर देते हैं, ठीक है। और अब जो x बचा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन इस x के ही रिस्पेक्ट में इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये क्वांटिटी बनी 1 और ये बनी 2x के रेज टू पावर 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 2x। सेम प्रोसीजर से हमने क्या किया, तो r इक्विवेलेंट रेज टू पावर 1 d बाय dy पावर आगे ले ली, एक पावर कम कर दी, और जो ये r इक्विवेलेंट बचा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में यूं का यूं लिख दिया, ठीक है। ये क्वांटिटी हमारी आ गई है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस डी आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट स्क्वायर, और ये dy भी है साथ में, ठीक है। तो इस तरफ भी डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, दोनों तरफ ही डिफरेंशिएशन करना है ना। तो यहां dy आया है तो यहां भी आएगा dy, यहां भी आएगा dy, तो इस dy को मैं रिमूव कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं, ये मैंने रिमूव कर दिया, हर तरफ ही नहीं लिखूंगा मैं इस dr को। और इस d को मैंने चेंज कर दिया डेल्टा में, d का मतलब और डेल्टा का मतलब चेंज से ही होता है आपका, तो मैंने इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मैं एरर को डेल्टा से ही लिखता आया हूं अब तक। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या बन गया, डेल्टा आर इक्विवेलेंट जो कि हमको निकालना था डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट स्क्वायर और साथ में माइनस, ये बन गया, ठीक है। यहां देखते हैं 1 बाय आर में क्या होने वाला है, तो यहां आर इक्विवेलेंट है, यहां आर 1 है, तो बनेगा तो सेम ही माइनस डेल्टा, यहां आर इक्विवेलेंट का था, यहां आर 1 का, और यहां डेल्टा आर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा आर 2 बाय डेल्टा आर 2 स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारी आ जाएगी। यहां पे माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो तीनों तरफ से तीनों जगह से माइनस को हमने रिमूव कर दिया, तो फाइनली ये हमारा फॉर्मूला बचा हुआ है ये वाला। और यहां से डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सॉरी आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर नीचे है, इज इक्वल टू डेल्टा आर, इस आर वन में कितना एरर दिया गया है 3, और ये यहां पे डेल्टा नहीं आएगा, सॉरी ये तो पूरी ही क्वांटिटी थी आपकी, आर वन ही था, आर वन का स्क्वायर, आर वन कितना है आपका, आर वन है आपका, आर वन है आपका 100, ठीक है, ओके। और इसका स्क्वायर भी है प्लस डेल्टा आर टू, डेल्टा आर टू कितना आपका 4, और आर टू का स्क्वायर, आर टू आपका कितना है 200 का स्क्वायर, ये बन रहा है। और यहां से इस आर इक्विवेलेंट के स्क्वायर को यहां पे कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। अब देख लेते हैं क्या डेल्टा आर निकालने के लिए, डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, तो ये सारी चीजें तो हैं, आर इक्विवेलेंट ही नहीं है, तो आर इक्विवेलेंट तो इस फॉर्मूले से वैसे ही निकल जाता है हमारा, तो यहां से अगर आप निकालोगे आर इक्विवेलेंट तो कितना आने वाला है, ये इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, ये आ जाने वाला है। आर वन कितना है आपका, ये आपका 100,
R2 कितना है, 200, R1 प्लस R2 तो ये 300 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 200/3। इसको सॉल्व करोगे तो 3 पे जाएगा, 6 पे फिर 2 बचेंगे, फिर 6 पे तो 6, 6, 6, 6 आगे चलता ही जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 6, 6.7 तो ओम, ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ चुका है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रखनी है आपको, और इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने रखी 6, 6.7 स्क्वायर, और यहां से हमारा आ जाएगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट। और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो है 1.8 ओम, ठीक है। तो ये 1.8 हमारी वैल्यू यहां से आ चुकी है, डेल्टा आर की वैल्यू आ चुकी है आपके यहाँ पे, ठीक है। जब मैं डेल्टा आर बाय आर निकालता हूं तो फिर अगर ऐसे मैं लिखता हूं 1.8 ओम, तो ये गलत हो जाएगा, ओम नहीं लिखना है फिर मुझे, क्योंकि आर बाय आर, ओम बाय ओम, लिमिट यूनिट तो कैंसिल हो चुकी होती है, लेकिन यहां मैंने डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकाला है तो इसीलिए यूनिट आएगी इसमें, क्योंकि ये एरर है ना, एरर की यूनिट भी वही होगी जो उस क्वांटिटी की यूनिट है, तो 1.8 आ चुकी है एरर हमारा। अब उस क्वांटिटी को कैसे लिखते थे हम, तो हमारी क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता था, आर इक्विवेलेंट जो फाइनल क्वांटिटी आपकी बनने वाली है विद एरर लिमिट्स, तो आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट, तो ये हमारी 6, 6.7 आई थी शायद, प्लस माइनस, और ये हमारा आया था 1.8, तो ओम, ये हमारा आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स, मतलब 4 क्वांटिटीज के ऊपर वो डिपेंडेंट है हमारी पी वाली क्वांटिटी, ए बी सी डी एज फॉलोज, ये फॉर्मूला है उसका, ए क्यूब बी क्यूब सॉरी ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी इंटू डी, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी डी आर, ए बी सी डी चारों में परसेंटेज एरर आपको दिए गए हैं 1%, बी में 3%, सी में 4%, और डी में फिर अपना 2% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दैट क्वांटिटी, इस क्वांटिटी पी में कितना परसेंटेज एरर आने वाला है। तो देखो हम रिलेटिव एरर ऐसे निकालते थे डेल्टा पी बाय पी, और ये कैसे निकलता था हमारा, ये निकलता था 3 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए, ओके, और यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी प्लस, और इसकी पावर कितनी है, इस अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो पावर को ही मल्टीप्लाई करते हो आप, और डेल्टा सी बाय सी, और प्लस डी है तो यहाँ पे डेल्टा डी बाय डी, परसेंटेज एरर मुझे निकालना है तो मुझको निकालना है इनटू 100, तो मैं दोनों तरफ 100 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर भी आ जाएगा ये सारी चीजें, इनटू 100 इनटू 100 इनटू 100, ये सारी चीजें आ चुकी हैं हमारे पास। तो ये क्या है, ये है परसेंटेज एरर इन पी, यही पूछा है, ये क्या है, ये है परसेंटेज एरर इन ए, डेल्टा ए बाय ए इनटू 100, जैसे आपके मान लेते हैं 100 में से 50 नंबर आए, ठीक है, या फिर 200 में से 50 नंबर आए, परसेंटेज निकालने के लिए आप ऐसा ही तो करते हो कि टोटल और कितने आए हैं और इनटू 100, तो टोटल क्वांटिटी ये एरर इनटू 100, परसेंटेज निकल गई हमारी, ओके। तो ये है परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी एंड सी एंड डी, ये दिए गए हैं 1, 3 एंड 4, 2, तो इसको लिखा तो ये हुआ 3 इनटू 1 प्लस 2 इंटू, ये दिया है आपका 3 प्लस 1/2 4, एंड डेल्टा ये दिया गया है आपका 2, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहां बनेगा 6 और 3 9 और 4
तो कितना अपना 13 बना, तो 13% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया डेल्टा पी बाय पी इनटू 100 परसेंटेज एरर इन पी 13 आ चुका है हमारा। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। अब क्या हुआ कि इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया उसी ने आगे इसी के अंदर क्या कि इफ द वैल्यू ऑफ पी, यहां से जो हमने पी की वैल्यू कैलकुलेट करी है ए बी सी और डी की वैल्यू तो नहीं दी गई है लेकिन फिर भी उसने वैल्यू दे दी मान लेते हैं और पी निकाल दिया उसने, तो पी निकल के जो पी हमारा आया है उसने बताया पी की वैल्यू आ चुकी है 3.763 और आगे बोला टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट, तो इस रिजल्ट को आप कितने वैल्यू तक राउंड ऑफ करने वाले हो। तो मैं देखता हूं यहाँ फाइनल आंसर आपका परसेंटेज एरर 13 आया है, तो यहाँ भी मैं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर भी, यहाँ पे भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर रख लेंगे, 3 को ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाने वाला है, तो 3.8 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट इन डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, कोई ब्लॉक है हमारे पास रेक्टेंगुलर और उसकी डेंसिटी हमको पता करना है। डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक आर मेजर्ड विद ए वर्नियर कैलिपर्स, ये एक डिवाइस होता है हमारा एक लेंथ को मेजर, स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए ही, विद लिस्ट काउंट और उसकी जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, जो मास है वो एक बीम बैलेंस की हेल्प से मेजर किया गया है जिसका लिस्ट काउंट 0.1 ग्राम है, तो लिस्ट काउंट दोनों की दी गई है लेंथ में भी और आपके मास के अंदर भी, तो जो लिस्ट काउंट होती है वही हमारी एरर आने के चांस होते हैं, तो हमको एरर दिया गया है एरर कितना कितना हो सकता है किस किस में, मास में और लेंथ वगैरह में हमारी डिस्टेंस में। लेंथ बताई गई है उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की 5.12 सेंटीमीटर, ब्रेथ बताई गई है 2.56 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो बताई गई है 0.37 सेंटीमीटर और जो मास है ब्लॉक का वो बताया गया 39.3 ग्राम। तो हमको डेंसिटी बतानी है उस ब्लॉक की क्या बनने वाली है करेक्टली, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या हमको मास दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। क्या हमको वॉल्यूम भी दिया गया है, नहीं वॉल्यूम तो नहीं दिया है लेकिन सारे के सारे लेंथ ब्रेथ और आपको ये थिकनेस दी गई है, तो कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जैसे कि ये आपका, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हो आप, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस को मल्टीप्लाई कर लेते हो, एल इंटू बी इंटू टी कर लेते हो, तो मास कितना है आपका एम, वॉल्यूम निकलता है लेंथ ब्रेथ और थिकनेस को मल्टीप्लाई करके, तीनों ही चीजें दी गई है, मास कितना आ गया आपका 39.3 ग्राम, लेंथ आपको बताई गई है 5.12 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दी गई है 2.56 सेंटीमीटर और थिकनेस आपको बताई गई है 0.37 सेंटीमीटर। तो इस नंबर को हमको कैलकुलेट करना है, यहां से हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी और डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो नीचे 3 सेंटीमीटर है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी यूनिट आ गई, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस नंबर को जब हमने डिवाइड किया और ये निकल के आने वाला है कुछ 8.1037, तो इतना कुछ हमारी डेंसिटी आने वाली है, लेकिन हमको प्रॉपरली उसकी डेंसिटी बतानी है तो हमको ये एरर लिमिट्स के साथ बतानी है, तो डेल्टा रो ये नहीं पता हमको अभी, डेल्टा रो निकालना है मुझे अभी, तो डेल्टा रो के लिए कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय ये फॉर्मूला है। ओके तो डेल्टा रो दिस इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम प्लस एल में डेल्टा एल बाय एल, बी में एरर डेल्टा बी बाय बी
थिकनेस में डेल्टा टी बाय टी। तो ये हम यहां से रिलेटिव एरर निकाल लेंगे, और अगर इस रो को भी मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा रो आ जाएगा, तो कर देते हैं, और ये हमारा प्लस माइनस, एरर प्लस माइनस आता है हमेशा, वैल्यू रखते हैं इन सब की। तो डेल्टा रो इज इक्वल टू मास डेल्टा एम। तो मास को हमने एक बीम बैलेंस की हेल्प से मेजर किया है, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम था, तो 0.1 ग्राम, और मास कितना दिया गया है, मास आपका 39.3 ग्राम प्लस डेल्टा एल, ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेड्थ है और ये थिकनेस है, तो है तो सारी की सारी डिस्टेंसेज ही, और डिस्टेंसेज को मेजर करने के लिए हमने वो डिवाइस यूज किया हुआ है, कौन सा, वर्नियर कैलिपर, जिसके लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। तो सभी का एरर डेल्टा एल डेल्टा बी और डेल्टा टी तो यही आने वाला है, 0.01 सेंटीमीटर आपका। तो यहां पे 0.01 सेंटीमीटर, और लेंथ आपकी बताई गई है 5.12 सेंटीमीटर, प्लस डेल्टा बी 0.01 सेंटीमीटर। ये आप समझ गए होगे मैं बार बार 0.01 सेंटीमीटर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और थिकनेस ये तीनों आपकी डिस्टेंसेज हैं, और डिस्टेंसेज आपकी वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मेजर की गई हैं, जिसका लिस्ट काउंट ये है, और लिस्ट काउंट ही एरर होता है। डेल्टा एल हो गया हमारा, डेल्टा बी बाय बी करना है, और बी की वैल्यू आपकी दी गई है 2.56 सेंटीमीटर। डेल्टा टी और थिकनेस आपकी दी गई है 0.37 सेंटीमीटर, और इनटू क्या, इनटू रो, और रो मैं ऊपर निकाल भी चुका हूं, कितना है हमारा रो आया हुआ था यहां से, डेंसिटी मैंने निकाली थी 8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया था। तो यहां से ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब कैंसिल हो जाते हैं यूनिट्स यहां, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी यूनिट्स, यहां तो कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ यहीं पे यूनिट्स हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब डेल्टा रो की जो यूनिट आने वाली है वो यही आने वाली है, और इस नंबर को, ये नंबर जब हमने कैलकुलेट किया, यहां से हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू निकल के आती है, यूनिट इसकी यही रहेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये निकल के आई हमारी कुछ 0.286 तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने डेल्टा रो भी निकाल लिया, रो भी निकाल लिया यहां पे। अब हम अपनी क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी को लिख सकते हैं कि डेंसिटी की जो मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा रो, ये लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा हमने, ये लिखा मैंने, ये वैल्यू आई थी हमारी 8.1037 प्लस माइनस 0.286, और सब की यूनिट, दोनों की यूनिट सेम ही है, रो की भी यही थी यूनिट आपकी, और डेल्टा रो की भी यही है, तो साथ में ही लिख दिया मैंने। लेकिन ये लिखना ठीक नहीं है अभी भी, क्योंकि हमने प्रॉपर राउंडिंग ऑफ वगैरह नहीं करी है। तो यहां आप देख सकते हो, जब मैंने डेंसिटी की बात करी थी तो मास बाय वॉल्यूम डिवाइड का केस है ये, तो जब मैं डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर लिखना होता है, तो वही लिखना होता है जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं आपके। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स तीन है, तीन इसमें भी तीन, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपका आंसर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। तो यहाँ पे दो तक इसको राउंड ऑफ करो आप रो को, तो इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ पे फोर हो जाएगा, फोर को छोड़ दिया, यहाँ पे वन हो जाएगा, और दो सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है तो यहाँ तक ही आएगा बस, और यहाँ आपका वन आया था तो वन को राउंड ऑफ करेंगे तो आगे कुछ नहीं होगा, तो 8.1 ही बचेगा, और प्लस माइनस, अब प्लस एडिशन का केस आ गया है या सब्ट्रैक्शन का केस आ गया है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम
वो नहीं देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट्स आई हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक ही डिजिट रखो ना आप। तो यहाँ पे एक डिजिट रखोगे तो आप 6 को ड्रॉप करोगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 को ड्रॉप करोगे यहाँ पे 3 हो जाने वाला है। तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा डेंसिटी का। ओके।